हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ आप ही लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कि आप लोग लेसन प्लान के बारे में बात कर रहे हो, माइक्रो टीचिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो आज का हमारा वीडियो जो है बीएड से रिलेटेड है और ये टॉपिक जो है माइक्रो टीचिंग। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग तो यही कर रहे हो कि माइक्रो टीचिंग में हमें क्या करना होगा और कैसे करना होगा, इसके लेसन प्लान जो है वो कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही सारी चीज़ों पर मैं आपसे बात करने वाली, यही सारी चीजें मैं बताने वाली हूं कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में और बीएड सेकंड ईयर का क्लास 7 बजे इवनिंग में जो है स्टार्ट है, अभी कंडक्ट करवाया जा रहा है। और अवध यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर का क्लास मंडे से 8 बजे से स्टार्ट है। चलिए बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग की। जैसे कि इसका नाम है, सबसे पहले तो ये सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए करना कंपलसरी होता है। ये इसका जैसे नाम है माइक्रो, दैट मीन्स छोटा। ऐसे हम लोग जो क्लास लेते हैं, जो आपका इंटर्नशिप होगा उसमें जाके प्रॉपर आपको एक स्कूल में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, उसके पहले आपको अब जो है बोल सकते हैं एक्सपीरियंस देने के लिए, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए आपके ही क्लास रूम में जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स बैठे रहें, आप ही के फ्रेंड्स बैठे रहें एक्चुअली में आपके स्टूडेंट्स बनकर, और दूसरे साइड में जो है जो आपके टीचर्स रहते हैं वो आपको इवेल्युएट करने के लिए बैठे रहते हैं। आपको अपना एक टॉपिक लेना है, उस टॉपिक पे 36 मिनट्स, याद रखिए माइक्रो टीचिंग जो होता है वो 36 मिनट्स का होता है, लेकिन ये कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ कॉलेज जो है 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स का ही लेते हैं, क्योंकि उनको सारे स्टूडेंट्स का माइक्रो टीचिंग करवाना होता है, तो वो उनके ऊपर है। कॉलेज आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दे आप उसके अकॉर्डिंग करो, लेकिन इतना याद रखना जो भी टॉपिक पे आप बना रहे वो छोटा होना चाहिए, मेन पॉइंट होना चाहिए, और उसमें ये देखा जाता है कि एक्चुअली में आपने जो बीएड में अभी तक जो भी थियोरेटिकली जो चीज़ें की हैं उसको आप प्रैक्टिकली कैसे करते हो। जैसे आप बोर्ड पे कैसे खड़े होते हो, चॉक को आपको कैसे पकड़ना है, डस्टर को कैसे रखना है, कितने एंगल में खड़ा रहना है जिससे कि आपको बोर्ड भी क्लियर दिखे, आपके स्टूडेंट्स भी क्लियर दिखे। आप ऐसा ना हो कि क्लास में जो है बोर्ड पे लिख रहे हैं और पीछे स्टूडेंट जो है नॉइज कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। इसलिए 45 डिग्री के एंगल में आपको अपने बोर्ड पे खड़ा होना चाहिए। चॉक जो है हमेशा राइट हैंड में होना चाहिए, डस्टर आपके लेफ्ट हैंड में होना चाहिए, और जब भी आप रफ करो तो उसको ऊपर से नीचे ला करके रफ करना है, डस्टर को यूज करना है, जिससे कि जो चॉक का डस्ट होता है वो ज्यादा ना फैले, उसको नीचे लाएं, नीचे ला करके उसको ड्रॉप करें। इस तरह से ये बोर्ड का जो है जो एक्टिविटी होती है बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, वो उस तरह से किया जाता है। फिर सेकेंड आ जाता है आपके टॉपिक से रिलेटेड। आप जब अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो कैसे करोगे, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन करवाना है अपने टॉपिक का, तो डायरेक्टली जा करके आप अपने टॉपिक को नहीं बोल सकते हो। जो हम प्रस्तावना बोलते हैं, जो इंट्रो बोलते हैं, आपको जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड 2 से 4 क्वेश्चन स्टूडेंट से, अपने जो आपके कलीग ही रहेंगे उनसे पूछना है, वो लोग उसे आंसर देंगे और उन्हीं के आंसर में से उस टॉपिक का नाम निकल कर के आएगा। इस तरह से जो है आप फर्स्ट फेज जो होता है माइक्रो टीचिंग का वो कंप्लीट करोगे। सेकेंड फेज में जो आपने अपना टॉपिक लिया है उसे एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेनेशन दैट मीन्स लेक्चर मेथड, आप किस तरह से एक्सप्लेन करके अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हो वो करोगे। थर्ड फेज में आप उनसे जो है जो आपने पढ़ाया, जो आपने समझाया, उनसे क्वेश्चन अराइज करोगे। क्वेश्चन आंसर का राउंड होता है, इसको बोलते हैं क्वेश्चनायर राउंड या फिर क्वेश्चनायर मेथड, वो यूज़ करोगे, जिससे भी आप उसको खड़ा करोगे, पूछोगे। उसके बाद ऐसा नहीं कि पूछने के बाद उसको बैठा देना है, उसके बाद आप उसको जो है गुड, वेरी गुड, इस तरह से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मोटिवेशनल वर्ड्स बोलोगे, जिससे कि वो बच्चा मोटिवेट होगा और फिर वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा और आगे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो ये सारे चीज़ों से जो है माइक्रो टीचिंग बनती है। 4 से 5 स्टेजेस में जो है आपको पूरा माइक्रो टीचिंग 36 मिनट्स का, एक्चुअली एग्जैक्टली 36 मिनट का होता है, लेकिन वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज आपको कितना टाइम दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ कॉलेजेस जो है 10 से 12 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लेसन प्लान बना करके लेकर जाना है। अब इससे रिलेटेड लेसन प्लान किस तरह से बनाना है उसका एक मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि उसमें काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। किस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं मैं उसमें आपको बताऊँगी और वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आपके मन में आती है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें
फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, आपके क्वेरी को डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। और इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसमें आपको माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है वो मैं बताऊँगी। सो टिल देन हैव अ नाइस डे।